सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जमीन मारी गई और हमें इस पर चढ़ नहीं देते, मांग नहीं अधिकार है। जो कुछ हम कहें मैं नहीं मानते, जो कुछ मैं कहें हम नहीं मानते। और बैठे के यहाँ रास्ता सा तो देंगे, सड़क चल जाएगी, नहीं पड़ी है मारा ही के बिगड़ रहा बैठे अपना। 13 महीने में भी नहीं थी, वो भी तो मोदी था, 13 महीने में नहीं माननी थी, इसमें 6-17 में मान लियो, यहाँ तो गुरु बैठे। अरे कौन कहे नू, है तो रोड़ा लड़ाई तो यही है। ट्रैक्टर चलाओगे? ट्रैक्टर चलेंगे, बुग्गी भी चलेंगे। बुग्गी भी? हाँ, मारे फावड़े इतने पेंडेलू आ रो छोटे कट्टा हम कर ले जाएगा। चपड़ा भी बना लोगे? अपने आप बना लेंगे। यहाँ कट होगा तो क्षेत्र का भी विकास होगा। विकास के लिए ही तो जमीन दी गई थी, जमीन तो उपजाऊ है हमारी। नहीं आगे फिर चुनाव आओगे उसमें देखेंगे। बिंदु लगाया नहीं, का पूरा लगाऊंगे 27 में। हाँ पूरा लगाऊंगे, चाहे मर भी जाओ, सरकार मरो चाहे हम मरो, पर कट जरूर लेंगे। सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के गांव भज्जू में हैं। गांव भज्जू में हम जो है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर है, जहां पर पिछले 7 सितंबर से किसानों का एक अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों की मांग है कि जो है गांव भज्जू में एक कट दिया जाए, ताकि जो है इस हाईवे पर जो है किसान, आसपास के गांव के लोग भी जो है इस पर जो है अपने काम के लिए जो है दिल्ली देहरादून तक जा सके। लेकिन 4 सितंबर को NHAI और प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती यहां पर जो है कट न दे करके हाईवे का काम पूरा कराने की कोशिश की गई, जिसके बाद से लगातार जो है किसान धरने पर है। हम अभी किसानों से बात करते हैं कि यह धरना उनका कब तक जारी रहेगा, उनका क्या कहना है इस बारे में। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? देशराज वनेड़ा। अच्छा, किसान लगातार 7 तारीख से धरने पर है, क्या हुआ अब तक? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या NHAI वालों की तरफ से क्या जवाब आया? हमारे तो ज्यादा तुम्हें पता करना ठीक है था? नहीं, हमें सरकार के लवे के आदमी तुम बताओ। नहीं, आप यहाँ दिन रात धरने पर बैठे हो, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया, क्या बातचीत? आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन नहीं। वैसे किसानों की क्या क्या मांग है यहाँ को लेकर के, जो अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया? खाली उतरने की, चढ़ने की, जमीन मारी गई और हमें इस पर चढ़ नहीं देते। बताए ईमानदारी है कि बेईमानी? और जब जमीन ली नुगदा रोज उतरिए और चढ़ियो, इब जब ना चढ़ने देते ना उतरने देते। प्रशासन DM के पास गए होगे? इन जाते जिस आना यहीं आवेगा खुंटे पे। अच्छा, हाँ, और सड़क चलानी या आज यहाँ ना पड़ेगा, बैठे हम बस अपनी जमीन पे बैठे, न हम सरकार की पे बैठे, अपने रुपये उल्टे ले लो, मट्टी ठहल जाओ अपनी। तो मेन मांग कट की है यहाँ पे? कट मेन मांग नहीं, अधिकार है। अच्छा, मांग तो कमजोर करेगा। अच्छा, अधिकार है, अधिकार है हमारा। कब तक बैठने का इरादा? जिबलो चढ़ने की बात नहीं बने, चढ़ के हटेंगे। जी नमस्कार जी, बता भाई। आपका नाम? सतपाल। कहाँ से हो? बाजो से ही हैं। अच्छा, कब से बैठे हैं यहाँ धरने पे? 7 तारीख तक बैठे भाई। अच्छा, 4 तारीख में 5 में क्या हुआ था यहाँ? अरे आए दो एक बार अधिकारी पर अधिकारी से भिखारी से मैं भाई, जो कुछ हम कहें मैं नहीं मानते, जो कुछ मैं कहें हम नहीं मानते। और बैठे के उनका क्या कहना है? मैं तो उन्हें कहें सड़क से ले लो धोरे धोरे को, हम चाहते नहीं, यहाँ कट दे दो और दे देंगे भी लग रहे हैं भी जुगाड़ से। मैं आज मीटिंग की है। अच्छा, बराबर सड़क दे रहे तो उससे क्या नुकसान किसान को रहेगा? नुकसान ही है, हम यहाँ छोड़ो, यहाँ ईख में बढ़ जाग रहेंगे लोग लेके, कहाँ की सड़क बना देंगे मैं, कार से रुकवा के पुल तोड़ा, ईख में बढ़ जाग रहेंगे। सड़क तो पटड़ी है नहीं, जब बुटराडे चले जाएंगे वंकू चले आवेंगे। कोठी चा हाँ, कोठी चा। तो कितने गाँव के लोगों को यहाँ फायदा होगा अगर कट? 62 गाँव है। अच्छा, 62 गाँव है मंसूरपुर लोग को। और जब जमीन थी तो आपने ये मांग रखी थी अपनी भाई वहाँ? रखी थी, हाँ, DM ने आश्वासन के लिखित में दिया था। अच्छा, अगर यहाँ कट दे दिया जाएगा, ये तो धोखा देड़ी सी कर गए हैं। अच्छा, धोखा कर गए? हाँ, पर नुकसान उन्हीं का है। यहाँ रास्ता सा तो देंगे, सड़क चल जाएगी, नहीं पड़ी है मारा ही के बिगड़ रहा बैठे अपना। अच्छा, रात को यहाँ बैठे डर नहीं लगता? अरे डर कहीं का, यहाँ से घूम नहीं रहते के, यहाँ रात को पानी पौध नहीं चलाते के। हाँ, डर कहीं का यहाँ से? नहीं, मगर सीधा सीधा सरकार से भिड़ रहे हम। भीड़ कहाँ रहे हम, जा किसका टक्कर मारी हमने? सरकार ही भिड़ी है आके।
सड़क नहीं बनने दे रहे मगर सरकार की, यहाँ कुछ चलेगी। मोदी जी उद्घाटन करेगा इसका तावड़ा। अरे नहीं, मोदी उद्घाटन इसका कल को कर दो और हमें कट दे दो, हम कहीं रोके हैं उसे। अच्छा, उद्घाटन चढ़न उतरन का रास्ता सा दे दो और उद्घाटन कर दो, और चैनों की नुही का कर दो। अच्छा, और यू रास्ता सा ही वो चढ़न उतरन का, मैं भी यहीं उतर चढ़ू जाऊँगे बस। आप नमस्कार जी। नमस्ते भाई, आपका नाम जी? शिवराष्ट्र। अच्छा, क्या लग रहा है इतने दिन से बैठे, मन नहीं जाएगी? नहीं बात मन नहीं जाएगी, मैं तो उन्होंने कह काम बनेगा कट लेके हटेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन उस दिन तो जबरदस्ती जो है बुलडोजर बुलडोजर सब आ गए। जबरदस्ती चले तो नहीं, हाँ चाहे मेरी जो जबरदस्ती नहीं करने देने। हाँ तो क्या लगता है जो है भाई, जमीन भी आपकी ली गई है लेकिन आपको कट नहीं दिया जा रहा सीधा सीधा, और ये कहा जा रहा है कि कट नहीं देंगे, आपकी और मांग मान ली जाएगी, तो प्रशासनिक अधिकारों का क्या कहना है? बातचीत हुई होगी? बातचीत हुई, हमने उन्होंने भी कहा कट ले कर रहेंगे तो नए अंतर उठने के इंचा साल भर हो जाओ। अच्छा, अरे उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा सर्विस रोड, सर्विस रोड हमें चाहती नहीं। हाँ, दिक्कत क्या होगी सर्विस रोड अगर मिल जाए? सारी दिक्कत ही है उसमें। अच्छा हाँ, यहाँ कट का वादा करे क्या उन्होंने, कट लेंगे काम जी भी जुड़े था कट का आश्वासन दिया था ना, कट छोड़ देंगे। हाँ, और एंत जाने के नीत ने। हाँ बस अब की आई भावना है बस। अच्छा हाँ, लेके मन तारे तो लूट हो जाएगी, सर्विस रोड दे दो, रोज लूटेगी गाड़ी, इस पर तो लूट होने के नहीं पूछे डे पूछे। हाँ तारे तो रोज लूटा करेंगे मारे जौन से गाड़ी वाले जाओगे। हाँ, और सड़क का भी पता नहीं कि कैसे बना कर देता है, सड़क का भी नहीं पता, या चौड़ी हो या चौड़ी होने लगेगी उसे दाब लेंगे, फिर नई सड़क जो दी भी थी उन्होंने, या चौड़ी कर देंगे फिर उसे दाब लेंगे, फिर हम तो नहीं रहेंगे। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? संजीव कुमार। बैठे रहोगे या कुछ होगा कभी यहाँ? बैठे रहेंगे, कट लेकर रहेंगे, कट लेंगे कुछ भी हो। अधिकारी आए, क्या कहना है उनका? अधिकारियों से बातचीत हुई? अधिकारियों ने पहले आश्वासन दिया था, डीएम भी आई थी, एसडीएम भी आया था और ग्राम प्रधान भी था, सबके सामने बात हुई थी, उसके बाद वे अब नाट रहे। अच्छा हाँ, इसीलिए यहाँ धरना रखेगा। तो कब से ये धरना चला हुआ है आपका? 7 तारीख से। अच्छा, धरना धरना धरने की क्यों जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हुआ था अचानक धरना एकदम धर दिया? सरकार झूठ बोल रही, सरकार कर्मचारियों ने आश्वासन देने के बाद में लिखित में उन्हें प्रस्ताव भी भेजा था पहले, उसके बाद जो है उन्होंने जो है नाट रहे अब जा। हाँ, NHI के अधिकारी भी थे उस टाइम यहाँ से। अच्छा, जबरदस्ती काम कराने की भी यहाँ कोशिश की गई थी? हाँ। जबरदस्ती बहुत सारा पुलिस बल भी यहाँ तैनात था, तो आप अचानक आए तो कैसे पता चला कि भाई वो काम जो है पूरा करा रहे हैं? ये ऊपर से अधिकारियों से ही पता लगा होगा इन्हें सब। अच्छा अच्छा, जो बड़े थे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को पता लगा तभी उन्होंने सूचना करी। अगर यहाँ कट नहीं मिलेगा तो इस हाईवे पर चढ़ने के लिए किसानों को, इस गांव के आसपास के लोगों को कहाँ से जो है इस हाईवे पर चढ़ना पड़ेगा? बुटराडे तक चढ़ना पड़ेगा। कितना दूर पड़ेगा? पहली बात तो यार चढ़ना क्यों पड़ेगा जी, यहीं कट लेंगे हम, बात तो वंकी आई ही नहीं जी, बाव की बात अलग बात है। और पहली बात तो अंतरी चढ़ेंगे बाजू तई, और सीधा निंगे को बोलेंगे, कोई निंगे को बोलेगा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बबलू। अच्छा बबलू जी, क्या लगता है किसान जो है लगातार पिछले 15 दिन से धरने पर है, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, मांग पूरी होगी या नहीं होगी? भाई उम्मीद भी बैठे हैं, बिल्कुल कट लेकर रहेंगे। अच्छा कट लेके रहोगे, ये कौन सा इलाके में आप कह रहे हो? भाजू में। भाजू में तो कितने गांव के लोग जो है यहाँ जुड़े हुए हैं? बहुत गांव हैं, कम से कम ये तो मेन रास्ता मंसूरपुर जा, रास्ता जा हमारी राजधानी से सुन ली, किसानों की राजधानी जो है। हाँ, किसानों की राजधानी है सिसोली। अच्छा जबरदस्ती भी यहाँ काम कराने की कोशिश की गई, तो उससे किसानों में कितना आक्रोश है? आक्रोश है एकदम, रास्ता काम बंद करवाएगा, आक्रोश में तो आगे रास्ता बंद करवाएगा, काम बंद करवाएगा। आपका नाम? तेजवीर। तेजवीर जी, क्या लग रहा है धरने पर आ रहे हैं यहाँ? सुबह शाम बात हो नहीं रही, मन नहीं रही, क्या होगा? मनेगी इबलो तो ना मन नहीं, इतने साल मनेगी। 13 महीने में भी नहीं थी, वो भी तो मोदी था, 13 महीने में नहीं माननी थी, इसमें 6-17 में मान लियो, यहाँ तो गुरु बैठे। अच्छा हाँ, जो रात भी रात को आ गया लाठी चार्ज करके ठा दिए। अच्छा लाठी चार्ज वे करेंगे, हम करेंगे फिर आए पीछे, हम चुगर देते गेर का पिटेंगे, फिर चुगर देते पिटेंगे। हमारे तो हथियार ये शेख जो उनको प्रधानमंत्री भी पूछे हैं, एक उन हथियारों के लाइसेंस बनवा लेते, सलेख में पूछा था जिब सलेख मेरे जिब पूछा था इंदिरा ने, अगर इनके दांती पलकेटी के लाइसेंस बनवाओ है, तो कहाँ तक का
झटका लोगे इनका। किसानों की राजधानी है, कट लेकर रहेंगे, वो अभी तो बात हुआ ही है। जी वाह है तो वाह है, हटो नहीं, हटे नहीं। बच्चे क्या लगे, हो जाएगा ना ये? क्यों नहीं होगा, मगर इतने दिन से बैठे घर बैठे रहेंगे, मारे क्या काम है, गन्ना गिरा लगा हाथ पास खेल लो जाएंगे, नमक के काम है वो तो कह रहा, जल्दी पूरा करवा दो काम, विकास रुक रहा सारा का सारा। नु कह रहे एक बात है, विकास की जिम्मेदारी तो सरकार की मैच थोड़ा ही है, करवा दो विकास चालू करवा दो, यहाँ कट देकर देर देर क्या दिक्कत आ रही। अच्छा, अधिकारी आए बीच में बात करने को, जब बहुत आवे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सब आश्वासन दे दे, बकाले इधर उधर की बात बताएगा और चले जाओ, और अधिकारी कौन सा आप फावड़ा लेगा, मैंने कट होगा नहीं, एक नहीं हो रहे तो आगे भी होंगे क्या? अच्छा, और भी लोग हैं? हाँ, तीन कट लेने। कहाँ कहाँ? एक वो है यार गांगडोली, और एक हो रहा है, तीन कट है ये। अच्छा, तीनों लेगा? तीनों लेंगे तो नुकसान हो जाएगा इनका बहुत। किसका? एनएचआई वालों का। एनएचआई वालों का नाश, मारा हैरान का क्या हो जाएगा टट्टू का? अच्छा, इनका क्या बिगड़े अन बताओ, ये तो करोड़ अरब करोड़पति लोग है, इनका क्या बिगड़े? वो तो कह रहे हैं भाई यहाँ भारी भरकम नुकसान होगा, नहीं चढ़ जाग रहा कोई नहीं, क्यों होगा भारी भरकम? अच्छा, ट्रैक्टर चल जाएगा इस पर, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर चल जाग रहा है? ट्रैक्टर तो मेरे दिल्ली में भी चले, यहाँ की तो बात दूर करो, मगर चार पहिए चल, नुकह गाड़ी चल सके। अरे कौन कहे नू, है तो रोड़ा लड़ाई तो यही है। ट्रैक्टर चलाओगे? ट्रैक्टर चलेंगे, बुग्गी भी चलेंगे। अच्छा, बुग्गी भी? हाँ, और क्या कह रहे आप, मतलब उन्हीं के लिए हाईवे हमारी जगह में गुजार रहा, और हम मतलब नीचे गुजार रहे हैं, इसी पे चलेंगे। अच्छा, इस पे जाओगे? देहरादूनी का दो गंडे नहीं पूछाने, माँ गंडे नहीं रोशनी में, देहरादूनी देहरादूनी का दो और गंडे सारे पूछाने हुई, इस पे जागरोगे हाईवे पे? हाँ, रोशनी काट के बच्चे के वहाँ तो बुग्गी में लेकर जागरोगे, ट्रैक्टर पे? ट्रैक्टर में। अच्छा, ट्रैक्टर पीछे है, जो कटना दिया यहाँ पे है, जो कटना दिया वो कर जाओ, बाकी देंगे क्यों नहीं, क्यों ना दिया, हम आपको कर देंगे, मारे मारे फावड़े इतने पेंडल आर रोज छटे कटो, हम कर ले जाएगा, चपड़ा भी बना लोगे, अपने आप बना लेंगे, तो हटो नहीं आते, इतना कट नहीं ले जाए, तू तो वहाँ के पुल जो रहा यहाँ के, ऐसा हो यहाँ बना जाओ, कट बीच में कहीं बना दोगे? हाँ, उनको ही चढ़ लगा बता रहे। नमस्कार जी, नमस्कार, आपका नाम जी? क्या कह रहे थे आप हाईवे के बारे में, थोड़ा सा बताइए। कह रहा था विकास तो क्षेत्र को भी चाह, भैया दिल्ली को ही विकास चाह रहा है, देहरादून को विकास चाह रहा है, यहाँ कट होगा तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा, विकास के लिए ही तो जमीन दी की थी, जमीन तो उपजाऊ है हमारी, अगर मान ने हमने अपनी कीमती जगह दी और उसका हमें लाभ ना मिले तो फायदा क्या उसका देने का? फिर देखा जाए, जमीन भी आपकी ली गई लेकिन आपके लिए यहाँ पर कटने ज्यादा, तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ये तो सरकार की थोड़ी सी अनदेखी करने के, उसमें ना देर तो काम चल गया, पर काम चलने वाला नहीं है, देना पड़ेगा, जितना जल्दी दे दें उतना फायदे का, नहीं आगे फिर चुनाव आओगे उसमें देखेंगे। चुनाव तो अभी आए थे 24 में भी तो उसमें भी लगाया नहीं, रख तो पड़ा है, बिंदु लगाया नहीं, इसका पूरा लगाऊंगे 27 में। हाँ, पूरा लगाऊंगे, कट लेकर रहेंगे, जरूर लेकर रहेंगे, चाहे मर भी जाओ, सरकार मरो चाहे हम मरो, पर कट जरूर लेंगे। वादा तो पहले भी करा था, और पूरा पुल भी बना दिया, सारे काम कर दिए, कट को नहीं दिया बोलो, देंगे, देना पड़ेगा ना, सरकार है तो सड़क सड़क का कार्य करे, गवर्नमेंट होती गौर का काम करती। अच्छा, ये भी है सरकार सड़क सड़क का कार्य कर रही, पीछे को हट जाएगी और पीछे को हट जाएगी, नवी आ जाएगी। तम तो ना उधर 12 मीटर भी लगाना, तो भी लगा दे उन्होंने, तो कहाँ लगा दिया मीटर, ना माने यहाँ मीटर कोई मीटर लगे नहीं, नहीं इनकी तो जो पूछ रहे इनकी जिदत थी, अगर पुल ना बनाते हम क्या करते हैं, ये बिना जरूरत है, चालू करो से हम चालू नहीं होने देने के, जरूरत बिना कुछ नहीं होता, पुल कद रोका मट्टी के रिजिव नहीं रोके, पुल बना ले इवनी को टंडे पूरा नहीं होना ना जी, के मतलब विकास रोका लग रहा, मोदी जी विकास कर रहे थे, विकास यो विकास ही नहीं रोक रहे थे, दिल्ली से लोग आने वाले, जमीन खोस ली, हमारी जमीन खोस ली, हमें चलने देने के ऐसी सरकार किस काम की, हम तो नहीं हटे औरंगजेब के भी जमाने में, हम नहीं हटे तैमूर रंग का भी, उसका भी छत्ती में भल्ले मार दे जाटू ने, और जाट इतनी बुद्धि कौम है कि पाकिस्तान और भाई कोई गुड़गुड़ी लेकर न चल लगा, नहीं ना चल लगा, बात है, जो मैं तैयार है तो हम भी तैयार है, जो हमारा अधिकार है वो लेंगे,
मोदी हो चाहे योगी हो कोई हो। हम अभी जिला शामली के गांव भज्जू में थे। गांव भज्जू में हम दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर थे, जहां पर किसान जो है पिछले 7 तारीख से यहां पर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक जो है भज्जू गांव में कट नहीं मिलता तो तब तक यह धरना जारी रहेगा, कट लेकर रहेंगे। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। आइए किसानों से बात।